हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी प्रवेशिका स्टैंडर्ड सेकंड। तो बच्चों आज हम करेंगे स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो पता स्वर तो मैंने आप लोग एक बार करा दिया, पर वापस मैं आपको रिपीट कराऊँ, ठीक है। स्वर देखो यहाँ पर अ आ ई ई ऊ ऊ ए आई ओ औ अं अह। ये क्या है स्वर, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ये वॉवेल्स, ओके। फिर नेक्स्ट है व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन आपको पता है ना, व्यंजन क से ये जो श तक होता है ये व्यंजन कहलाता है। देखो क ख ग घ अंग, उसके बाद है च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श श। बच्चों देख सकते हैं स दिया गया, पता है, पर स तीनों अलग अलग हैं। स सपेरे का होता है, सॉरी स शरीफा का, स षटकोण का एंड स सपेरे का, ठीक है। उसके बाद ये ह है, छ ग्य त्र, लास्ट में है स्र जो श शर्वण का होता है वो, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बता दिया बच्चों, देखो अ से जिसके वर्ड हैं सब मीनिंग अलग, अ से ए, आ से डबल ए, मैं आपको वापस रिपीट कर दूँगी बच्चों, मैंने काफ़ी दिन से आपको कराया नहीं है इसलिए, ठीक है। ई से आई, ई ई ये तो क्या है, बड़ा ई है, इसमें डबल ई हो गया। ऊ, ऊ से यू, ऊ ऊ, ओके। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये ऊ कैसा है, ये सिंपल, इसमें इसमें मात्रा लग गई, तो इसके उच्चारण में भी हमें चेंज हो गया ना, तो इसके आया डबल ओ। फिर इसके बाद है री, री से कुछ ऐसा स्पेलिंग नहीं दिया गया है। ए से ई, आई से ए आई, ओ से ओ, औ से ए यू, अं से ए एम या ए एन होता है, ठीक है। अह, अह से ए एच ए, ठीक है। तो मेरे बच्चों आप लोगों को मैंने ये स्वर जो वर्वल्स है, तो इसके मैंने ये आई इसका मैंने इंग्लिश में मीनिंग बताया ट्रांसलेट करके, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे व्यंजन का, ठीक है। तो व्यंजन देखो आप लोग को, क से, क से होता है के ए, ख से के एच ए, ग से जी ए, और घ से जी एच ए, और अंग से कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद है च, च से सी एच ए, छ से सी डबल एच ए, ज से जे, झ से जे एच ए, यहाँ से भी कुछ नहीं स्पेलिंग है, ठीक है। इसके बाद करेंगे ट, ट से टी ए, ठ से टी एच ए, तो क्या हुआ ये ठ का स्पेलिंग है। ड से डी ए, ढ से डी एच ए, तो हो गया ढ, अणा से भी कुछ नहीं, सॉरी अणा से स्पेलिंग है एन ए। त से टी ए, थ से टी एच ए, ठ और थ दोनों का स्पेलिंग एक जैसा ही आता है, ठीक है। उसके बाद से द, द का आया डी ए, ध का डी एच ए, तो ये हो गया हमारा ध का स्पेलिंग। फिर न का है एन ए, एन ए मीन्स न। प से पी ए, फ से एफ ए, ब, ब का बी ए, भ का बी एच ए, तो हो गया भ। म, म का एम ए, य, य से वाई ए, र से आर ए, ल से एल ए, एंड व से वी ए। उसके बाद है स शरीफा, ठीक है, एस एच ए, श षटकोण का भी, इसमें दोनों की स्पेलिंग सेम ही देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। एस एच ए, स, श से एस ए, ह से एच ए, छ के एस एच ए, छ छतरी वाले में हो गया, ठीक है। ग्य से जी एन ए, त्र से टी आर ए, और श से एस एच आर ए। तो बच्चों इस तरह मैंने आपको स्वर व्यंजन की इंग्लिश में मीनिंग बताई, वॉवेल्स और कॉन्जेशंस, ओके। अब इसके बाद हम करेंगे सचित्र वर्णमाला, ओके। तो इसमें देखना ये जो दिया गया है ना व्यंजन, व्यंजन की इसमें क्या, इसमें हिंदी में इसकी जो सब हम इंग्लिश में एफ और एप्पल का स्पेलिंग होता है ना, इसे इस तरह इसके भी इसमें मीनिंग दिए गए, ठीक है। तो देखो बच्चों, देखो ये क्या है, क बू त र, ओके। क से कबूतर होता है, तो देखो ये इसमें क्या है, ये ब, ब पे किसी मात्रा है, ऊ की मात्रा दी गई है। उसके बाद ये ख र गो श, ठीक है। उसके बाद ग म ला, तो ये क्या है, गमला। उसके बाद क्या है, ये
घर, घ से घर होता है, ठीक है। च र खा, ख ख पे जो आपको डंडी दिख रही है बच्चों, ये किसकी आ की मात्रा है, जो आपको मैंने बताया था ना, मैंने आप लोग को बताया था ऐसे अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ अं अह, इसमें मैंने आपको मात्रा बताई है, ठीक है। तो ये जो मात्रा दिखी है ना, ये आ की मात्रा है, ख पे आ की मात्रा हो गई तो चरखा हो गया। उसके बाद है छ त री, र पे ई की मात्रा है ई, ओके, तो छतरी हो गया। ज हा ज, तो ह पे ये आ की मात्रा लग गई, दिख रही डंडी दिख रही आपको, तो ये हो गया जहाज। ये है झंडा, झंडा अंग अह, पता है ना आपको, ये जो पॉइंट ऐसे अंग आता है ना, ऐसे करके करते हैं ना, तो ये अंग, तो ये झंडा, झंडा हो गया, ठीक है। ड पे आ की मात्रा है तो डा हो गया। ट मा ट र, ओके, म है, म पे किसकी मात्रा आई, देख सकते हो आप लोग, ये डंडी है दिख रही है आपको, ये इसमें म पे आ की मात्रा आ गई, तो हो गया टमाटर। ठे रा, ठ पे देखो ए की मात्रा है, ठीक है। उसके बाद हो गया ठठेरा। फिर ड म रू, ड म रू, ठीक है, तो ड पे है उ की मात्रा, हो गया डमरू। ढ क न, तो ये हो गया ढक्कन। द र प ण, ये र जो री में करते हैं बेटा, तो ये है ये जो मात्रा ऊपर लगती है, ये क्या हो गया दर्पण, ठीक है। त ब ला, तबला, ये ल पे है आ की मात्रा, तो हो गया तबला। थ र म स, तो ये हो गया थर्मस। द र वा जा, तो वा पे है आ की मात्रा और ज पे है आ की मात्रा, दरवाजा, ओके बच्चों। तो मैंने द तक कराया, अब है दस के बाद है, यहाँ पर देख सकते हो ध, धनुष, तो न पे किसकी मात्रा है उ की मात्रा, तो हो गया ये धनुष। न ल, नल पे कोई मात्रा नहीं है, तो सिर्फ सिंपल ही दिया गया, ठीक है। प त ग, तो इसमें भी अंग की मात्रा दी गई, हो गया पतंग। फ से फल। ब त ख, तो ये क्या है बतक। भ वा नी, तो व पे है आ की मात्रा, न पे है ई की मात्रा, तो हो गया भवानी। म ट र, ये है मटर। और देखो यहाँ पर य ती, तब पे ई की मात्रा, ठीक है, एक मात्रा यहाँ पे जाती ई ई, ये क्या है, ये छोटा ई की मात्रा, यहाँ से होती तो बड़ा ई की मात्रा होती, ठीक है, ये हो गया यति। रथ, ये क्या है रथ। ल टू, टपे उ की मात्रा है, ठीक है, तो हो गया लट्टू। व जन, तो ये क्या है वजन, ठीक है। स र ब त, ये है शरबत। स ट को ण, तो देखो बेटा किसकी मात्रा लगी क पे, ओ की मात्रा, तो हो गया षटकोण। स पे रा, प पे ए की मात्रा और र पे आ की मात्रा, प पे ए की मात्रा लगी तो पे हो गया, र पे आ की मात्रा लगी तो रा हो गया, तो शपेरा, ठीक है। ह वा ई ज हा ज, ठीक है, हवाई जहाज। तो यहाँ पर देख सकते हो छोटा ई बड़ाई, तो देखो ये बड़े की ये दिख रही है यहाँ पर ये, ठीक है, और व पे आ की मात्रा हवाई जहाज, ह पे है आ की मात्रा, तो हो गया जहाज। छ त्री य, त्र पे ई की मात्रा, पर कौन सा छोटा ई की, बड़ा ई की होती तो यहाँ से होती, ठीक है, हो गया क्षत्रिय। उसके बाद है यज्ञ, देख सकते हो आप लोग, ये रहा यज्ञ। त्रिशूल, त्र पे ई की मात्रा है, ये भी ना छोटा ई की, श स पे उ की मात्रा, ठीक है, त्रिशूल। स्र से सर्वान, ठीक है। तो इस तरह बेटा ये मैंने आप लोग को क से ज्ञात करा, देखो मैं आपकी बार वापस रिपीट कराऊँ, देखो क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, और च से चरखा, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, द से दर्पण, त से तबला, थ से थर्मस, द से दरवाजा। उसके बाद है ध की बारी, ठीक है, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भवानी, म से मटर, य से यति, र से रथ, ल से लट्टू, व से वजन, स से शरबत। मैंने आपको था अलग तीन प्रकार के सरीफा, षटकोण है सपेरा, ठीक है। फिर अभी है स, स से षटकोण, स से सपेरा, ह से हवाई जहाज, एंड छ से क्षत्रिय,
य से यज्ञ, त्र से त्रिशूल एंड स्र से श्रवण। ठीक है, तो मैंने आपको क से लेकर श्र तक के सब मीनिंग बता दिए। उसके बाद आप बच्चों आपको करना है नेक्स्ट पेज पे देखो, पढ़ो लिखो रीड एंड राइट। ओके, रीड मिस होता है पढ़ना और राइट मिस होता है लिखना। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो ना, इसमें दिया देखो, यहाँ पे देखो आप लोग, ये दिया गया है क। ठीक है, तो मैं आपको आगे के एक वर्ड लिख के बताऊँगी बच्चों, बाकी सब आपको ये पेज का कंप्लीट करना है। ये जो दिएगा ना, ये मैं आपको होमवर्क के तरीके में दूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है ये ख। ठीक है, ये रहा ख, आपको ख बनाना है। उसके बाद है यहाँ पे देखो, ये है ग। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको ये ऐसे घ बनाना है। इसके बाद बच्चों आपको ये ऐसे करके ये अंगा बना दिया, हो गया क से अंगा तक। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा है अक्षर, कौन सा लेंगे च, ये व्यंजन का च हो गया। उसके बाद है यहाँ पर छ। ठीक है बच्चों, तो मैंने छ बनाया। उसके बाद है ये ज, ओके ज जहाज वाला। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पर ये मैंने ले लिया जैसे झरने वाला। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे ट, ट, ट के बाद आएगा ठ। ओके, तो क से ठ तक हो गया। अब हमें अगला पेज देखना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो अगला पेज लेंगे हम यहाँ पर, ये है ड। इसके बाद है यहाँ पर, ये है ढ, ये है अण। उसके बाद ये है त, और इसके बाद है थ, और उसके बाद बच्चों ये है द। ठीक है, तो मैं जो आपको करा नहीं बेटा, ये आपको इस तरह नोट में भी लिखना पड़ेगा और प्लस वर्ब में भी कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ध। ठीक है, ये हो गया न, ये है हमारा प। ओके, ये जो डॉट डॉट बना बेटा आगे पीछे हो जा रहा, पर आप लोग धीरे धीरे एकदम से लिखना तो आपकी राइटिंग गुड आएगी। ठीक है, ये इस तरह से ब। उसके बाद बच्चों ये हमने करा दिया भ, तो क से भातक हो गया। उसके बाद आएगी भ से माँ की बारी। ठीक है, अब हमें म लिखना है। ठीक है, ये रहा म हमारा। ठीक है, उसके बाद है म के बाद, हमें म के बाद हम लेंगे ये। ओके, ये कोई थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा जाता है तो राइट होता है। उसके बाद ये र है बच्चों, आपके लिए इसे हिंदी नया नहीं, क्योंकि आप लोग फर्स्ट में कर चुके हैं, सेकंड में आप लोग रिपीट करो इसे। ठीक है, ल। उसके बाद क्या है ये व, उसके बाद ये है व। ठीक है, उसके बाद ये है श, उसके बाद ये रे षटकोण वाला। ठीक है, ये हो गया स सपेरे वाला। उसके बाद ये हमने कर दिया, इसे ट्रेस करना है देखो यहाँ पर। ओके, ये हो गया ह। फिर ये है हमारा छ, छ क्षत्रिय वाला। ये है ज्ञ, ज्ञ ज्ञानी वाला। ये है हमारा त्र, त्र त्रिशूल वाला। ये है हमारा स्र शरण वाला, स सरवण वाला। ठीक है, इस तरह मैंने क से स्र तक आपको कंप्लीट करा दिया। तो बच्चों आप लोग को करना क्या है पता है आप लोग को, जैसे मैंने करा है ना यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, क से देखो यहाँ पे जो आप ये जो मेरी ये जो ब्लैंक पड़ा हुआ है ना, देखो यहाँ पे कितने बॉक्स है, 1 2 3 4, और बाकी की जो इसको प्रेस करना है। ठीक है, तो इस पर आपको घोट के लिखना है, जैसे घोट के लिखना कहा जाता है, जैसे मैंने किया ना ये। तो पहले आप लोग को नहीं लिखना पा रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, पहले इस तरह से लिखना सीखेंगे। ठीक है, इस तरह आपको क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ, ये मैं आपको होमवर्क में दूँगी। ठीक है बच्चों, तो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद ये जो पेज है ना ढ,
अणा त थ द ध न प फ ब भ। ओके, ये भ तक तो मैंने करा दिया आपको। अभी ये म देखो यहाँ पर, म य र ल व श, श षटकोण का, स स पेरे का, ह छ य त्र श। तो बच्चों आप क्या करोगे, मुझे ये पेज देख सकते हो आप लोग, पेज नंबर है यहाँ पर ये देख सकते हो आप लोग 5। देन आफ्टर है ये पेज नंबर हमारा कहाँ गया, 6। यस ये रहा 6, पेज नंबर 6। एंड पेज नंबर 7 तक आप लोग को ये होमवर्क में करना है, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, जो हिंदी की प्रवेशिका बुक उसमें भी लिखना है और प्लस आपको नोटबुक में भी लिखना है। थैंक यू।